हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है बहुत बढ़िया होगी। तो बेटा, आज मैथ्स का ये दूसरी क्लास है और हम आवयवों का दूसरा पार्ट, यानी कि आवयवों में योग कैसे करते हैं और अंतर कैसे निकालते हैं, आज इसको सीखेंगे। माने जोड़ना और घटाना, आवयवों के जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया आज हम सीखेंगे। तो बेटा, जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। बेटा, इस चैनल पे आपको पूरे वीडियो मिलेंगे मैथ्स और फिजिक्स के, जो यूपी बोर्ड और अदर स्टेट बोर्डों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे और हम पूरा सिलेबस को कवर करेंगे बेटा, पूरे न्यूमेरिकल के साथ। तो आइए आज देखते हैं, शुरू करते हैं आवयवों का योग। आवयवों का योग व अंतर, ठीक है। तो आवयवों में जोड़ते समय स्कूल में सब जाते हो और स्कूल से निकलते हो तो सब अपने अपने घर जाते हो, ठीक है। तो उसी तरीके से जो आवयव अगर हैं हमारे पास, मान लो ये ए बराबर ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू है, ठीक है, ये इसके एलिमेंट हैं। और एक बी है, मान लो इसके एलिमेंट है बी वन वन, बी वन टू, बी टू वन, बी टू टू। मान लो ये टू क्रॉस टू का एक मैट्रिक्स है और हमें निकालना है ए प्लस बी। तो भैया, समान ऑर्डर वाले एलिमेंट समान ऑर्डर वाले के साथ प्लस हो जाएंगे, अगर घटाना है तो समान ऑर्डर वाले समान ऑर्डर के साथ घटाए जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे ये हो जाएगा ए वन वन प्लस बी वन वन। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है। अब समझ गए होंगे क्या करना है। ए वन टू साथ में बोलो प्लस बी वन टू, ए टू वन प्लस बी टू वन, ए टू टू प्लस बी टू टू। अगर घटाना है तो ये बीच वाला साइन माइनस में हो जाएगा, ठीक है, ये इसके रूल है। अब ये देखो, ये वितरण नियम, ये सासेरी नियम का पालन करता है। मतलब अगर ए बी बराबर ए सी है तो यहां पे बी बराबर सी होगा, मतलब ए बी का गुणन ए सी के बराबर है। तो ये बता रहा है कि बी और ए तो कॉमन है, इसका मतलब बी और सी बराबर होगा, ठीक है। इसमें योग तत्समक होता है, ए प्लस जीरो बराबर ए, योग तत्समक, मतलब ऐसी संख्या जिसको उसमें जोड़ो फिर वही संख्या आ जाए, तो शून्य है। और इसमें शून्य अगर जोड़ो, शून्य आवयव जोड़ो तो शून्य वही संख्या फिर से आ जाएगी। जैसे मान लो आपका है दो तीन एक जीरो और इसमें एक शून्य आवयव जोड़ दो, जीरो 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 जीरो, तो यहां पर वही आ जाएगा आपका दो एक तीन जीरो, ठीक है। योज्य प्रतिलोम होता है, मानी ऐसी संख्या, ऐसा आवयव जोड़ो जिसको जोड़ने के बाद ये जीरो हो जाए। अगर दो आवयव समान हैं और दोनों के चिन्ह विपरीत हैं तो इन्हें अगर आप जोड़ते हैं तो ये जोड़ करके जीरो हो जाएंगे। ये सारे रूल्स आप बुक में देख सकते हैं। वैसे इनका सत्यापन करने के लिए हमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाती है, उसके आधार पर हम सत्यापन करते हैं। तो आइए सीधे सवालों में चलते हैं और वहीं से समझते हैं कि किस तरीके का कॉन्सेप्ट इसमें लगाना होता है, किस तरीके की हमारी सवाल होती है, ठीक है। तो आज हम हर्षरूप शर्मा की बुक के साथ हैं और इस बुक का हम 3B जो है चैप्टर एक्सरसाइज हमारा, उस 3B को क्लियर करेंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आवयवों का योग और गुणा, ओ सॉरी अंतर किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो आओ देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 2x 7 5y-3 प्लस 3 -4 1 2 और ये इक्वल दिया हुआ है 7 6 15 14, ठीक है। तो इसको पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, अगर दोनों और बराबर होंगे तो दोनों के एलिमेंट बराबर होंगे। तो भैया पहले इसमें 2 से गुणा कर लो सब में, ये हो गया 2x, ये हो गया 10, ये हो गया 14, ये हो गया 2y-6, ये एक आवयव हो गया प्लस 3 -4 1 2 इक्वल 7 6 15 14। अब यहां पे क्या करेंगे, 2x 3 के साथ ऐड हो जाएगा, 2x प्लस 3 और ये बराबर किसके है 7 के, 2x इसके बराबर हो गया
अब यहां पे लिखो 10 में से 4 गए 6, ठीक है, 14 में 1 जोड़ोगे 15, और यहां पे 2i माइनस 6 प्लस 2 ये ऐड हो गया। ऐड होने के बाद आ गया 7, 6, 15, 14, ठीक है। अब इसको घटा दो तो ये हो गया 2x प्लस 3 15 6, ये यहां पे माइनस 6 है, ये प्लस 2 है, तो 2i माइनस 4 इक्वल 7, 6, 15, 4, 14 है, ठीक है। अब इनको बराबर कर दो, तो बराबर करोगे तो ये a11 के बराबर होगा, तो ये हो गया 2x प्लस 3 इक्वल 7, 2x इक्वल 4, तीनों तरह जाके माइनस हो गया, x इक्वल 2, 2 से 4 डिवाइड हो गया। यहां पे y निकालना है तो 2y माइनस 4, अब इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है, इसका a22 है, तो इसमें कौन सा ऑर्डर है, a22, तो 7 में लगा दो बराबर 14, ठीक है, 4 उसमें जाएगा प्लस 4 होगा, जुड़ के क्या हो गया 2y इक्वल 18। अब यहां पे 2y है तो y निकालना है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 9, x और y दोनों की वैल्यू आ गई, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं, आगे देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। अब देखो जैसे इसका अगला क्वेश्चन है, cos थीटा ब्रैकेट के अंदर है, cos थीटा sin थीटा और यहां पे माइनस साइन थीटा और cos थीटा प्लस sin थीटा ब्रैकेट में sin थीटा माइनस cos थीटा, मतलब जिसके साथ माइनस नहीं है, ये cos का माइनस है, ये अलग एलिमेंट है, और cos थीटा sin थीटा। अब यहां देखो पहले तो हम लगाओगे आव्यूह, आव्यूह लगने के बाद अगर त्रिकोणमिति की कोई अपनी संक्रिया बन रही है तो वो भी लगेगी यहां पे। अब पहले इसका गुणा कर दो तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, इसका इसमें करोगे तो sin थीटा cos थीटा, इसका इसमें करोगे तो माइनस sin थीटा cos थीटा, और इसका इसमें करोगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस इसका इसमें करोगे तो sin स्क्वायर थीटा, इसमें करोगे तो माइनस sin थीटा cos थीटा, इसमें करोगे sin थीटा cos थीटा, इसमें करोगे sin स्क्वायर थीटा, और इस तरीके की आपकी दोनों वैल्यू आ गई, ठीक है, गुणा उड़ा कर लिया। अब आपको जोड़ना है बाहर लिखी संख्या का या बाहर लिखे चर का, अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सबके साथ गुणा होगा, चाहे वो 2x2 का हो चाहे 3x3 का। अब इसको जोड़ो भैया तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और ये वाला हो गया sin थीटा cos थीटा प्लस माइनस sin थीटा cos थीटा, ये नेगेटिव साइन के साथ है, ये माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, यहां ये वैल्यू माइनस में है, और यहां हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये आगे बन गया। अब देखो यहां त्रिकोणमिति की संक्रिया आपने कक्षा 10 में फॉर्मूला पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये कैंसिल हो गए एक दूसरे से 0, ये कैंसिल हो गए एक दूसरे से 0, और ये जुड़ गया आपका 1, इस तरीके से आई आ गया, माने इकाई आव्यूह 2x2 का इकाई आव्यूह आपको मिल गया। तो जोड़ के साथ और भी कई चीजें ध्यान में रखना होता है, कोई बीजगणितीय फॉर्मूला बन रहा है, कुछ कॉमन निकल रहा है, या त्रिकोणमिति में जोड़ करके कुछ हो रहा है, या लॉगरिथम की कोई यहां पे प्रॉपर्टी लग रही है, गुण लग रहा है, तो इस तरीके की देखभाल जरूरी है, केवल जोड़ पर ही डिपेंड नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन है a इक्वल 1
टू थ्री, जीरो फाइव सेवन सिक्स एट नाइन, और बी इक्वल है टू थ्री फाइव जीरो जीरो सेवन थ्री फाइव जीरो। अब यहां पे हमें आंसर जो निकालना है वो निकालना है थ्री ए माइनस टू बी का, आवयव ए का तीन गुना और आवयव बी का दो गुना निकालना है हमें। तो यहां पे क्या करेंगे, लिखेंगे टू ए माइनस थ्री बी, ठीक है इक्वेशन लिख ली। अब दो और ए कितना है उसको लिख दो यहां पे, वन टू थ्री जीरो फाइव सेवन सिक्स एट नाइन प्लस थ्री इंटू बी है तो थ्री लिखो और इंटू बी टू जीरो थ्री थ्री जीरो फाइव फाइव सेवन जीरो, ठीक है। अब यहां पर दो से सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा और गुणा करने के बाद ये बन जाएगा दो चार छह जीरो दस चौदह, ठीक है। अब नीचे वाली पंक्ति में भी इस रो में भी गुणा करेंगे तो बारह सोलह अठारह, ये एलिमेंट हो गए हमारे। और यहां पे तीन से गुणा होगा, ये माइनस है सॉरी 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 ये माइनस है। अब यहां पे हो गया छह जीरो नौ नौ जीरो पंद्रह पंद्रह इक्कीस जीरो, ठीक है। अब इक्वल घटा दें इसको तो घटाने पे क्या आएगा, दो में से छह गए माइनस चार, चार में से जीरो घट गया तो चार, छह में से नौ घट गया तो माइनस तीन, जीरो में से नौ घटा माइनस नौ, दस में से जीरो घटा दस, चौदह में से पंद्रह घटा माइनस एक, बारह में से पंद्रह घट रहा है माइनस तीन, और सोलह में से इक्कीस घट रहा है तो सोलह चार बीस एक इक्कीस माइनस पांच, और अठारह में से जीरो घट रहा है तो अठारह, ठीक है। ये आपका फाइनल एलिमेंट फाइनल आवयव आपका आ गया, ठीक है। और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, कोई टिपिकल नहीं है यहां पे। देखो चौथा क्वेश्चन है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई यहां पे दिया हुआ है वन माइनस टू थ्री फोर, और x माइनस वाई दिया हुआ है थ्री टू माइनस वन जीरो, ठीक है। और कह रहे कि निकालिए एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, ठीक है। तो जैसे युगपत समीकरण होता है बेटा, एक्स प्लस वाई बराबर पांच, एक्स माइनस वाई बराबर दो, तो एक्स वाई के मान बताओ, ठीक उसी तरीके से यहां पे करना है। तो करोगे रैखिक समीकरण के रूप में, यहां जो वैल्यू है संख्या के रूप में नहीं बल्कि आवयव के रूप में आपको दी गई है। तो एक्स प्लस वाई इक्वल वन माइनस टू थ्री फोर, और x माइनस वाई इक्वल थ्री माइनस वन टू जीरो। सिंपल सा तरीका, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये कैंसिल हो गया, ये आया टू एक्स बराबर तीन एक चार, माइनस दो माइनस दो जीरो तीन एक, आप जोड़ रहे हैं यहां पे x x जोड़ लिए तो यहां भी जोड़ रहे हैं, एक को तीन से जोड़े चार आया, माइनस दो को दो से जोड़े तो जीरो हो गया, तीन से एक जोड़े तो माइनस एक जोड़ोगे तो जाएगा घट, ये हो गया दो, और चार में जीरो जोड़ोगे तो आ गया चार। अब अंदर से दो कॉमन ले लो, तो जब दो कॉमन ले लोगे तो दो एक्स बराबर होगा दो, और यहां हो गया दो जीरो दो चार, ओ सॉरी दो, ये हो गया आपका एक और ये हो गया दो। अब यहां पे दो से दो कैंसिल कर दो, इधर ले जाओगे तो कट जाएगा एक्स इक्वल टू वन जीरो, ये वैल्यू आ गई। और फिर लिखो एक्स प्लस वाई इक्वल वन थ्री माइनस टू फोर, एक्स माइनस वाई
ये आपका अभी हुआ। दूसरा वाला लिखो 3 - 1 = 2 0। अब इस बार इनको घटा दो, ये माइनस ये प्लस हो गया, ये कट गया, किया है 2y = यहां देखो अब इसमें से ये घट रहा है, इसमें से ऊपर वाले से नीचे वाला घट रहा है, तो एक में से 3 घटाएंगे तो आएगा -2, -2 में से -2 घटाएंगे तो आएगा -4, और 3 में से 1 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और 4 में 0 घटाएंगे तो आ गया 4। अब यहां पे हो गया हमारा 2 अंदर से कॉमन ले लें जैसे अभी किया था, तो ये हो जाएगा 2 - 1 - 2 = 2। ठीक है, अब यहां पे 2 से 2 कैंसिल हो गया तो y = आया -1 - 2 = 2। देखो कितना आसान है ना, आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी है जोड़ना घटाना, और गुणा भी ऐसे ही आसान है इसका, और इन्हीं संख्याओं पर आधारित एक सवाल कम से कम 5 नंबर या फिर 8 नंबर में आती है। तो ऐसे चैप्टर को संभालना जरूरी है, हमारे जो शिक्षक लगेंगे वो यहीं से लगेंगे, छक्के और चौके जो है वो यहीं से शुरू हो जाते हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक हायर लेवल का क्वेश्चन यहां से जरूर आएगा, और कितनी सरल है इसको आप महसूस कर सकते हैं, सिर्फ आपको जोड़ना घटाना गुणा करना आना चाहिए। ठीक है, अब जैसे देखो एक क्वेश्चन है, ये पांचवा है, a² + b² + b² + c² और है a² + c² + a² + b², ये 2×2 का एक मैट्रिक्स है आप लोग, और इसमें जोड़ना है 2ab - 2ac - 2ac - 2ac - 2ab। ठीक है, इसे ऐड करना है, देखो बीजगणित ही पद में है भैया, तो इसे जोड़ना तो सेम प्रोसेस है, वैसे ही करेंगे, ये हो जाएगा a² + b² + 2ab, दूसरा वाला हो जाएगा b² + c² + 2bc, तीसरा वाला हो जाएगा a² + c² - 2ac, और ये हो जाएगा a² + b² - 2ab। अभी आप समझ ही सकते हो कि ये क्या बन गया, तो ऐसे लिख सकते हैं a + b² b + c² a - c² a - b² बस हो गया, आप इससे ज्यादा क्या कर सकते हो, ये हो गया ऐड करने पे आ गया, मतलब अब देखो इसके पीछे क्या था, ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मेट लगा, तो अंतिम क्रिया अब ट्रिग्नोमेट्री की यहां चली गई, माने कोई संक्रिया अगर बनेगी तो अभी उसके अंदर उस संक्रिया को करेंगे आप, जैसे यहां पे ये बीजगणितीय पद में आ गया तो इसे स्क्वायर बनाना है तो बना दो भैया, इस तरीके से स्क्वायर बना दिए। ठीक है, अब आज के लास्ट सवाल देखते हैं, उम्मीद है कि जोड़ने का काम आप पूरी तरह से अच्छे से कर लोगे, तो ये छठी सवाल है। ठीक है, cos² x sin² x और इसे ऐड करना है हमें +sin² x cos² x sin² x के साथ इसे जोड़ना है, तो भैया जोड़ दो, ये हो जाएगा cos² x + sin² x, मेरे साथ साथ करो बोलते हुए, sin² x + cos² x और cos² x + sin² x, सेम वैल्यू है, चाहे साइन इधर लिखो चाहे कॉस इधर लिखो, दोनों प्लस में है, अब ये बन गया आव्यूह। ठीक है, अब यहां तक आव्यूह का काम था, यहां से आव्यूह का काम खत्म हो गया, अब आगे किसका काम शुरू है, त्रिकोणमिति का, तो त्रिकोणमिति में इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो भैया चारों तो वही लिखे हैं, तो 1 1 1 1, ये एक वर्ग आव्यूह है जिसके चारों एलिमेंट 1 1 1 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये था आव्यूह का जोड़ना और आव्यूह का घटाना, जो कि बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है, और आप इसको करेंगे इससे लाभ उठाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका गुणा सीखेंगे और गुणे पर आधारित अन्य संक्रियाएं जहां से ज्यादातर सवाल आती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।